हमारी भाषाओं में मुहावरे और लोकोक्तियाँ समाज की सोच, आदर्श और उसकी दशा को प्रतिबिंबित करने का काम करती हैं। एक भाषा के मुहावरे का दूसरी भाषा में अनुवाद अक्सर गलत या हास्यास्पद होता है। जैसे हाथ कंगन को आरसी किया, अगर हम इसका अंग्रेजी में लिटरल ट्रांसलेशन करें तो मतलब होगा दोज हु वेयर बैंगल्स डू नॉट नीड मिरर्स। लेकिन क्या इससे कोई सेंस बनता है? नहीं ना। तो इक्विवेलेंट ढूंढने के लिए पहले हमें इस मुहावरे का अर्थ समझना पड़ेगा। एक उदाहरण से समझते हैं। अब जैसे हमारे देश की सरकार करा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते हैं देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले किसी के साथ भी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, हमारे देश में अल्पसंख्यक महिलाएं न केवल सुरक्षित हैं बल्कि उनके उत्थान के लिए सरकार पूरी तरह से कार्यरत है, और दूसरी तरफ 11 बलात्कारियों को रिहा कर देते हैं, वो 11 लोग जिन्होंने न केवल बीबी के 3 साल की बेटी की हत्या की बल्कि बीबी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके परिवार के कई लोगों को उसी के सामने मार डाला। कहते हैं उनका व्यवहार अच्छा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार ने बीबी के बलात्कारियों को सिर्फ इसलिए रिहा किया क्योंकि वो हिंदू थे? क्या इस देश में किसी भी महिला को, खासकर एक अल्पसंख्यक महिला को, अपने खिलाफ हुए अन्याय के लिए न्याय की उम्मीद रखना जायज है? और क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नारा नहीं वार्निंग थी? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी किया, और अंग्रेजी में अगर कहें प्रूफ इज इन द पुडिंग या द ऑब्वियस नीड्स नो एविडेंस।